सो गाइस, कुछ लोग यहाँ पे कंपेरिजन चाह रहे थे फायरबोल्ट वर्सेस अमेज़फिट GTS 2 मिनी, जो अभी वाली आई है 2022 11 तारीख को सेल पे जाने वाली है अमेजोन पे। तो इसका कंपेरिजन लेके आया हूँ मैं कॉलिंग वॉच, जो कि है फायरबोल्ट की रिंग 2। फ्लिपकार्ट पे सेल पे जाने वाली है सिर्फ 4000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। और कम प्राइस में बाय करना है तो शॉपसी से बाय करिएगा, आपको आपकी परचेज पे कैशबैक मिलेगा अराउंड 300 रुपीज़ तक का मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से 50 रुपीज़ का बोनस भी ग्रैब ऑन कर सकते हो, तो आपको ये वॉच और सस्ती पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अमेज़फिट GTS 2 मिनी बहुत ही तगड़ी हाइप के साथ लॉन्च होने वाली है। इंट्रोडक्टरी प्राइस इसका जो है 5000 रुपीज़ रखा गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस रखा गया है। बट यहाँ पे फीचर्स और क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, एक्यूरेसी कैसी है, तो सारी की सारी बातें करेंगे। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में फाउंडर टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो आपको अगर दोनों में से कौन सी वॉच चाहिए, कॉलिंग वॉच चाहिए आपको या एक फिटनेस वॉच चाहिए। फिटनेस ये तो GTS 2 मिनी से बेटर कोई वॉच नहीं हो सकती, बट अगर कॉलिंग वॉच चाहिए तो कॉलिंग वॉच और भी अवेलेबल है। बट जिसको कॉलिंग वॉच में भी एक अलग सेगमेंट चाहिए जो कि एप्पल वॉचेस जैसा चाहिए, तो फायरबोल्ट की रिंग सीरीज है वो आपको डेफिनेटली एप्पल लुक दे सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिंग 2 की, जहाँ पे आपको 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, LCD डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिलता है, जरा सा कम है। GTS Mini 2 में आपको 1.55 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि स्ट्रेट अवे विनर है हमारी रिंग 2 से, बहुत ही फार बेटर है डिस्प्ले इसकी। 354 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है जो कि बहुत ही फार बेटर है, पिक्सलेट नहीं होंगी पिक, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाओगे बहुत ही पंची कलर देखने को मिलने वाले हैं। AMOLED डिस्प्ले ऑलवेज ऑन का फीचर मिल जाता है आपको, ऑलवेज ऑन के आपको अलग से वॉच फेसेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो GTS Mini 2 का मुकाबला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पंची कलर, डीप ब्लैक्स और ओवरऑल कलर एक्यूरेसी बहुत ही बेटर है GTS Mini 2 की। रिंग 2 स्ट्रेट अवे हार जाती है, रेस टू वेक मिल जाता है, उसी के साथ साथ GTS Mini 2 में ऑलवेज ऑन का फीचर भी अवेलेबल है। 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही यूज़ किया गया, प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, बट यहाँ पे जो शार्पनेस है वो डेफिनेटली GTS Mini 2 की ज़्यादा बेटर है, फिर जीत जाती है GTS Mini 2। उसी के साथ साथ जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम है GTS Mini 2 की, बट वो कवर हो जाती है आपकी AMOLED डिस्प्ले में, जो सनलाइट विजिबिलिटी है बेटर हो जाती है आपकी। तो रिंग 2 थोड़ा सा पीछे रह जाती है यहाँ पे। अगर मैं GTS Mini 2 को 10 में से 9 दूंगा तो रिंग 2 को आपको 10 में से 6.5 दूंगा अकॉर्डिंग टू द डिस्प्ले, राइट। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो और गैलरी में से कोई भी इमेज को वॉच फेस लगा सकते हो। यहाँ पे GTS Mini 2 में 80 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाएंगे और 60 प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले अलग से वॉच फेस मिल जाएंगे, तो 140 तो ऐसे ही हो गए, राइट। तो यहाँ पे GTS Mini 2 फिर जीत जाती है। अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस आप रख सकते हो, अगेन कौन सी शार्प लगेगी अगर अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगोगे तो GTS Mini 2 में ही शार्प लगने वाली है आपको। और फिटनेस मोड्स की बात करते हैं, रिंग 2 फिर पीछे रह जाती है, GTS Mini 2 बहुत आगे निकल जाती है, 68 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ 518 वाटरप्रूफ की रेटिंग के साथ आती है GTS Mini 2, अगेन विनर है हमारी। रिंग 2 पीछे रह जाती है, IP67 की रेटिंग ही आपको मिलती है। और इसी के साथ साथ एवरेज स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिलता है रिंग 2 में, मतलब आपको एक्यूरेसी 70-75 भी मिलने वाली है। GTS Mini 2 में 90% तक की एक्यूरेसी आपको देखने को मिल सकती है, स्लीप मॉनिटर बहुत अच्छी तरीके से करती है वॉच, और स्लीप मॉनिटर की जो एक्यूरेसी है 95-96% तक की मिल जाएगी आपको। और डेली नैप्स भी रिकॉर्ड करती है GTS Mini 2, बट रिंग 2 में ऐसा डेली नैप्स का कोई ऑप्शन नहीं है। 20 मिनट भी अगर आप नैप लेते हो तब भी GTS Mini 2 रिकॉर्ड कर लेगी, बट रिंग 2 में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आगे बात आती है यहाँ पे 3x एक्सेलेरोमीटर, 3x जायस्कोप सेंसर, BAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेटर है GTS Mini 2 में। रिंग 2 में ज़्यादा सेंसर्स का यूज़ नहीं किया गया, बट जो किया है वो नॉर्मल ही है। आगे बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो दोनों में ही, बट यहाँ पे रिप्लाई बैक ऑप्शन दोनों में से किसी में नहीं मिलता, बट रिंग 2 में आपको प्रॉपरली माइक और स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे विनर है हमारी रिंग 2, क्योंकि इसमें कॉलिंग फीचर मिलता है। GTS Mini 2 में माइक तो है बट यहाँ पे स्पीकर का सपोर्ट नहीं है, इसलिए कॉलिंग वॉच नहीं है, ये एक फिटनेस वॉच है सिर्फ। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फुल टच पैनल है, स्मूथ तो मैं कहूँगा GTS Mini 2 स्मूथ है, सुपर स्मूथ है, और रिंग 2 आपका थोड़ा सा लैग कर सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 मिलेगा दोनों में ही देखने के लिए, बट ऑल ओवर जो रेंज है वो GTS Mini 2 की ज़्यादा बेटर होगी रिंग 2 से। फाइंड माई फोन कैमरा शटर म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा रिंग 2 में, GTS Mini 2 में आपको फाइंड माई फोन कैमरा शटर म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में GPS भी मिलता है आपको, यस GTS Mini 2 में GPS भी सपोर्टेड है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है। GTS Mini 2 में आपको Alexa built-in भी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। GTS Mini 2 फिर आगे निकल जाती है हमारी। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं GTS Mini 2 आगे है एज कम्पेयर टू रिंग, बट GTS Mini 2 में स्पीकर नहीं है तो वही मतलब पीछे रह गई है। स्पीकर होता तो बहुत ही बेटर होता, कॉलिंग वॉच बन जाती। स्मूथ UI मिल जाता है दोनों में ही, अच्छा है, और सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट, सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए।
बट अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे रिंग टू में 240 mAh हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, बट GTS Mini 2 में 220 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है, 20 डेज का स्टैंड बाय है और 2 घंटे फुल चार्जर में ले लेती है। एक्जैक्टली सिमिलर ही आपको यहाँ पे मिलता है रिंग टू में, 30 डेज का स्टैंड बाय है और 7 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर रिंग टू में। GTS Mini 2 में 21 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया है विदाउट AOD, बट अगर AOD ऑन रखते हो तो 2 से 3 दिन ही चलने वाली है वॉच आपकी। चार्जिंग टाइप मैग्नेटिकली मिल जाता है और यहाँ पे पोगो पिन चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, पोगो पिन मैग्नेटिक चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है GTS Mini 2 में। एक्चुअली यूज़ की बात करो तो सारी सारे नोटिफिकेशन कट आऊंगा कि आपको 5 दिन का रन टाइम मिल जाएगा एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो रिंग टू को, बट GTS Mini 2 को अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो तो 14 दिन का रन टाइम मिल सकता है, बट अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो 7 डेज का मिल जाएगा। तो GTS Mini 2 बहुत आगे निकल जाती है यूजेस में। अब बात आती है मेन फीचर्स की, HR मॉनिटर मिल जाता है दोनों में ही, SPO2 मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलिबर स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, बायो ट्रैकर टू भी पीछे मिल जाता है आपको और PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम का ऑप्शन मिलता है GTS Mini 2 में। तो स्ट्रेट अवे मेन फीचर्स के मामले में हमारी विनर है GTS Mini 2, एक्यूरेसी के मामले में विनर है हमारी GTS Mini 2। आगे बात आती है स्ट्रैप क्वालिटी, अगेन GTS Mini 2 की स्ट्रैप क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त होती है, Amazfit की जो होती है वॉचेस, वॉच का जो वेट है वो भी बहुत कम है, 19 ग्राम्स का है सिर्फ, यस डायल जो है वो 19 ग्राम्स का है और स्ट्रैप अगर ऐड कर देते हो तो 27 या 26 ग्राम्स का पड़ जाती है ओवरऑल, इवन दो एल्युमिनियम केसिंग है उसके बावजूद भी। रिंग टू थोड़ी सी हैवी बल्कती है, 47 ग्राम्स की है और स्ट्रैप साइज बताया नहीं गया, मेरे ख्याल से 22 mm हो सकता है रिंग टू का। GTS Mini 2 में तो 20 mm मिलेगा आपको, आफ्टर मार्केट का आप चूज ऑन कर पाओगे। TPU स्ट्रैप की क्वालिटी मिलेगी आपको रिंग टू में, GTS Mini 2 में आपको सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलेगी, तो ये बहुत आगे निकल जाती है हमारी। और वॉच डायल और बेस, आपको वॉच डायल जो रिंग टू का है वो मेटल का है, बेस पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलेगा, GTS Mini 2 में आपको वॉच डायल एल्युमिनियम एलॉय का है और बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाएगा, तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही अच्छी है। अब प्राइसिंग की बात आती है तो गाइस 1000 रुपये ज़्यादा है आपकी GTS Mini 2, इवन दो यहाँ पे कॉलिंग फीचर नहीं दिया गया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉलिंग वॉच चाहिए GTS Mini 2 नहीं बनी आपके लिए, आपको रिंग के लिए जाना चाहिए, और भी वॉचेस मार्केट में अवेलेबल है अगर आप देखना चाहते हो कॉलिंग के लिए, रिंग 2 से अच्छी भी है और अगर आपको एप्पल लुक वाली चाहिए तो रिंग 2 अभी बेटर रहेगी आपके लिए। बट यहाँ पे अगर कंक्लूजन की बात करें तो बस GTS Mini 2 में कॉलिंग फीचर नहीं है और हर चीज़ में आगे रिंग 2 से, हर चीज़ में, हर एक सिंगल चीज़ में आगे। तो हमारी विनर है GTS Mini 2, अगर मैं होता तो Amazfit GTS Mini 2 के लिए जाता, ऑब्वियसली बात है रिंग 2 को मैं छोड़ देता, मेरे को इतना मैटर नहीं करता कॉलिंग, मेरे को फिटनेस फीचर्स और साथ में एक्यूरेसी, साथ में जो जैसे कि एलेक्सा बिल्डिंग का ऑप्शन है, ये सब चीज़ें GPS हो तो वो ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है। तो मैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार था GTS Mini 2 के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस ब्रैकेट में भी लॉन्च हो रही है। तो गाइस ये था मेरे ब्रेकडाउन कंपैरिजन फायरबोल्ट रिंग 2 वर्सेस GTS Mini 2 के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और साथ में अगर किसी और वॉच का कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप मेरे से बोल सकते हो, मैं कोशिश करूंगा वो कंपैरिजन लेके आने की 2 से 3 दिन में। और साथ में आप हमारे टेक्सबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ शॉपसी एप्लीकेशन से शॉप करना मत भूलिएगा, आपको आपकी परचेस पे कैशबैक मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी जहाँ से आपको 50 रुपीज़ का बोनस ग्रैब ऑन हो जाएगा और आप उसको अपने पहले परचेस में यूज़ कर सकते हो। जैसे ही 7 डेज़ का रिटर्न पीरियड खत्म होता है आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे अपने अमाउंट को। मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कैसे आपको अकाउंट बनाना है शॉपसी पे और किस तरीके से कैसे विड्रॉ करना है अमाउंट। तो गाइस ये था मेरा ब्रेकडाउन कंपैरिजन, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।